हरे 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 हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram
गुंगा हरे गुंगा 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 हरे 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 गुंगा हरे गुंगा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 गुंगा हरे गुंगा 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 हरे 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 गुंगा हरे गुंगा गुंगा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बाबा हरे Amen.
परमेश्वर के नाम गरिणाम शक्ति नाम के गोरा से सर्वतो पांडो मेरे समंता ज्योतिमात्र विश्वस्य परम निराधम तमाव्यय शाश्वत धर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादि मध्यान्त अनन्त वीर्य मनन्त बाहु शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत क्षवक्त्वं स्वदेहसाविश्वमिदं अपान्तं द्यावाग्विधेयो मन्तरमे व्याप्तं त्वयैके न देशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽभ्यन्तरेदं लोकत्रयं प्राज्ञभितं आमी त्वां सुरसंग्राय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयोन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभे कोष्ठलाभे रोद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा सेव सर्वे सानेशतवीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिभिता प्रीतिहो द्रवन्ते सर्वे शान्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च देवान्नमेरन्महात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपत्रे अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भित्तास्ति वेद्यं च परं च धाम वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वा
पवितामहस्य नमो नमस्ते सहस्रदेवस्ते नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकृष्णस्ते नमोस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तरीयानिकविक्रमस्तु सर्वं समाधो हिततो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहि मानं अवेदं मया प्रमादात्मनेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचो तक्षामयित्वा महमप्रमेयम् पिकासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधायतायम् प्रसादयित्वा महमीश वीर्यम् सखेव सख्यो प्रिय प्रियायासि देव सोऽहम् अहमेव माता तमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ 11वां अध्याय श्लोक संख्या 23 से 33 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमार्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुकारं बहुदरं बहुदंशाकरालं दृष्ट्वा लोभाः प्रव्यथितास्ततां नभस्त्रिसंदीप्तमलेकवर्णम् व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमन्त विष्णु दंष्टाकरालानितते मुखानि श्रेष्ठैव कालानलसन्निधानि दिशो न जाने न लभेत शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासः।
अमित त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वेश हैवावनिपालसंधि भीष्मो द्रोण सूत्रपुत्रश्च धासौ सहस्मदीयैरपि योधमूर्खै वक्त्राणि ते स्वर्माणाभिषन्ति दर्शा पराधानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्विष्यन्ते सुनितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेग समुद्रदेवाभिमुखाद्भवन्ति तथा च वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तदापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लोलीयसे प्रसमाना समन्ताल्लोकान् समग्रान् वरमेश्वरसे तेजो हिरापूर्य जगत्समागम् भासस्वरूपाप्रपन्ते विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तु माद्यं महे प्रजानामि तव प्रवीतिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकेत्कवृद्धो लोकान् स्वमः त्वमिह प्रवेश निरितेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठजसो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमाकं भवसव्यसाचम् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठजसो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमाकं भवसव्यसाचम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचारूरमार्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे Hare Shara Hare Shara
का अनुभव है, मैं हूं ये सबका अनुभव है। केवल मनुष्यों का ही नहीं, पशु पक्षियों का भी, गाय है, कुत्ता है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, गधा है, ऐसे पशुओं का भी है मैं हूं। ये कहावत आएगा, कुत्ता देख कुत्ता घुराया, मैं बेटा तू क्यों आया, तो ये मैं तू है। ये इसमें ये दो है चीज, एक मैं एक हूं, दो अक्षर है ना, दो विभाग है। ये मैंपन तो है प्रकृति का और हूंपन है पुरुष का, परमात्मा का। मैंपन प्रकृति का अंश है, हूंपन परमात्मा का अंश है। तो हूं का नाम है सत्ता, होनापन। तो होनापन सब में रहता, जैसे मैं हूं, तू है, यह है, वह है, ये है ही है। मैं होने से हूं हो गया, तो है का है ही है, पर तो है ही। तो ये परमात्मा का अंश है। इसमें प्राय लोगों के मैं की प्रधानता रहती है, मैं हूं, इसमें मैं की प्रधानता है। ये मैं की प्रधानता का अर्थ हुआ जड़ता की प्रधानता, शरीर की प्रधानता। तो शरीर को प्रधान लेकर चलते हैं, वे ही कर्म अपने बंधते हैं, वे ही कर्म भोगे जाते हैं, और ऊंच नीच योनियों में जन्म उससे ही होता है। तो मैंपन है, ये मैंपन, ये खास मात्र संसार का बीज है। ये 14 भुवनों का और त्रिलोकी का बीज है मैंपन। तो मैंपन से संसार से पैदा हुआ है। इसी को गीता ने कहा कि ये अपरा प्रकृति है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहम, 8 प्रकार की। और इससे दूसरी प्रकृति है चेतन, जीव रूप बनी हुई। वो जीव रूप बनी हुई प्रकृति ये दम धारियते जगत, इसने ही जगत को धारण कर रखा है। जगत मैंने धारण कर रखा है, संपूर्ण संसार का बीज मैं है। ये मैं थोड़ा विचार करो तो मैं अपना अपने भान होता, जैसे ये थम्बा दिखता है नेत्रों से, ऐसे भीतर के प्रकाश से मैं पर दिखता है। भाई इसका अनुभव करें, मैं हूं मैं, ऐसा एक देशी बना अपने में भान होता है। ये नेत्रों से भान होता है,
ये स्वयं प्रकाश में भान होता है। मैं प्रकृति है ये बताया ना, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देवता अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति स्थिता अपरे यम अपरा प्रकृति है अहम तक। जैसे मिट्टी का एक ढेला हो उसी जाति का अहम है। खूब ख्याल करो उसको, क्योंकि आठ प्रकार की भेद वाली प्रकृति उसमें भूमि आप पृथ्वी आई और अहंकार अंत में आया। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, तो पहले पृथ्वी अब अहंकार आया, ये सब की सब अपरा प्रकृति है। तो अपरा का प्रकृति करने में भेद नहीं है, यो न्यारी न्यारी है। तो जैसे पृथ्वी का ढेला है ऐसे अहम है। ये दम धार्य थे जगत, इस मैंने ही संसार को धारण कर रखा है। संसार मैं के साथ है, मैं संसार के साथ है। जैसे संसार को धारण करना मैंने धारण किया है। ये दम धार्य थे जगत, एतद योनि निभूतानि सर्वाणि। तो अपने में परम प्रणा प्रकृति जीव, तो जीव परा प्रकृति परमात्मा की, ये जड़ प्रकृति परमात्मा की। तो उस परा प्रकृति ने धेजन को जगत को धारण कर रहा है अपन। और एतद योनि भूतानि सर्वाणि, जितने संसार में प्राणी होते हैं, देवताओं में मनुष्यों में सब लेकर के जितने कीट पतंग पशु पक्षी 14 लोगों के 3 लोगों के जितने प्राणी हैं, ये क्षेत्र और क्षेत्र के संबंध से तेरवा यावत संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम। स्थावर जंगम जितने प्राणी पैदा होते हैं, ये क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, इनके संयोग से है। मानो जीव परमात्मा का अंश भीतर है और प्रकृति का अंश शरीर है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर प्रकृति का है और स्वयं ये अंश परमात्मा का है। इन दोनों में फर्क है। प्रकृति से जो अंश पैदा हुआ वो सो प्रकृति में प्रकृति के साथ रहता है, और परमात्मा का जो अंश हुआ ये परमात्मा के साथ न रह करके और प्रकृति के अंश साथ रहता है। ये ख्याल आया कि नहीं? मानो मनस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन है छठा जिसमें ऐसे इंद्रियां प्रकृति में स्थित है। अरे ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मनस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, प्रकृति स्थित उसको खेचता है। मानो ये प्रकृति के अंश प्रकृति में स्थित है, ये परमात्मा का अंश होकर प्रकृति के अंश को पकड़ता है। ये परमात्मा को नहीं पकड़ता, और अब अपरा प्रकृति प्रकृति को छोड़ती नहीं, ये तो प्रकृति के साथ रहती है। और ये जिसका अंश है उससे विमुख और प्रकृति में स्थित मन संस्थान इंद्रिया इसको पकड़ता है, प्रकृति का अंश हो। अहम में भेद हो रहा है ना, तो भेद अहम में ही होगा, स्वरूप में थोड़ा ही होगा। भेद प्रकृति में होता है, और प्रकृति का अंश लगाने से अपने में भेद मालूम होता है। प्रकृति का अंश अहम को पकड़ने से परमात्मा के साथ हमारा भेद होता है। अहम मिट जाए तो भेद नहीं रहेगा। अहम से फिर मम होता है, जैसे पृथ्वी जलते ये है, इस तरह से कुटुंब है, रुपया पैसा है, जमीन है, जायदाद है, ये जो चीज है ना, इसके साथ ममता हुई है। ये बताया था कि ये भेदभाव का संबंध है,
और अहम है ये अभेद भाव का संबंध है और शरीर के साथ भेदभाव अभेदभाव दोनों होता है। भक्त और मैं हूँ और मेरा शरीर दोनों कहते हैं, शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है, तो शरीर मेरा है तो भेदभाव का संबंध हुआ, शरीर मैं हूँ तो अभेदभाव का संबंध हुआ। तो शरीर मैं हूँ ये माना है, ये ही बंधन है खास। इसमें देखते देखते भी मानते नहीं है कि शरीर मरता है कोई आदमी तो शरीर तो पड़ा रहता है और वो चला जाता है, तो शरीर मैं और मेरा दोनों नहीं है। शरीर आप अलग हो पहले से ही, अगर पहले से अलग न होते तो मरने पर अलग नहीं होते। जैसे आप मकान में एक है पर मकान से चले जाते हैं, मकान पे चले जाते हैं, तो मकान में रहते हुए मकान हम दो है एक नहीं है, फरमाया। तो हम शरीर से अलग है, अलग हमारा स्वरूप है वो परमात्मा का अंश है और शरीर ये प्रकृति का अंश है। अब प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाए तो निहाल हो जाए, इतनी बात है। ये शरीर के सन्मुख हो रहा है, शरीर को मैं और मेरा मान रहा है, अरे भगवान मेरे, यह सब भगवान का, मैं और मेरा माना है, वो मैं भगवान का और मेरा है वो भगवान का, तो भगवान के सन्मुख हो जाएगा, संसार से विमुख हो जाएगा। शरीर संसार मेरा और मैं इनका मालिक, तो ये संसार के सन्मुख हो गया। अब इसमें कोई संदेह हो तो पूछो, इसमें कोई संदेह। तो ये शरीर के साथ में होने से कारण गुण संगो से सदा सदी होने जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, ये गुण है। ये अहम तीन दिमाग होता है, सात्विक राजस तामस, इस अहंकार संग होने से जन्म मरण होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मान्यते, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है, तो मैं करता हूँ तो मैं ही भोगता होगा, फिर करता है वो भोगता होता है। तो अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है, इस बात गीता ने कहे नैव किंचित करो मिति युक्तो मन्यते, युक्त को चाहिए योगी को चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, इंद्रियां ही इंद्रिय अर्थ से बढ़ते हैं, इंद्रिया ही इंद्रिया में बढ़ रही है, मेरे में करना पर है ही नहीं, ये अनुभव करो। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश सब प्रकृति क्रिया देती होती है, प्रकृति के द्वारा होती है, ऐसा देखने वाला आकर्ता वशित अपने आकर्ता देखता है। इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं, प्रकृति के द्वारा गुण होते हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं, स्वभाव के द्वारा होते हैं, प्रकृति आदत से द्वारा होते हैं, कर्म ऐसा की तमाया है, तो कर्म से उनसे हो रहे हैं। जैसे इस प्रकाश में अपने बैठे हैं काम कर रहे हैं, तो प्रकाश और अपने दो हैं। प्रकाश में आप आ जाओ तो प्रकाश ऐसा ही, आप चले जाओ तो प्रकाश ऐसा ही। ऐसे जो चेतना है भीतर में वो ज्ञान तो ऐसा ही है, आप इनके साथ रहे तो वो ऐसा ही है और अलग रहे तो आप ऐसे ही हैं। तो साथ रहते हुए भी आप इनसे अलग हैं, ये तात्पर्य है। हाँ, आना जाना जो प्रकृति को पकड़ा है उस जीव का है, प्रकृति को पकड़ा है ना उसका है, अहम को पकड़ा है उसका जन्म मरण होता है। वो अहम की जो क्रिया होती है वो अपनी क्रिया मानता है, अहंकार से जो क्रिया होती है वो क्रिया ये अपनी मानता है, वो अपनी मानता है, स्वयं कर्म हो जाते हैं, फिर कर्म भोगता है, यही भोगता है, स्वयं जीव ही वो चेतन ही भोगता है, अहंकार से मिलकर के भोगता है, अहंकार से मिलकर करता है, केवल में कर्तापन नहीं है ना भोगतापन है, अहंकार से मिले हुए में अहंकार के द्वारा क्रिया होती है तो वो अपनी मानता है। जैसे फौज के द्वारा जय पराजय होता है वो राजा की होती है,
हारती जीतती फौज, पर हार जीत होती है राजा की। ऐसे अहम का जो मालिक बना हुआ है, अहम अहंकार द्वारा क्रिया होगी, उसका राजा बना हुआ स्वयं ही है, स्वयं भोगता है। इतना साहब का पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति है अहम, प्रकृति अपरा प्रकृति है ना, अपरायम अपरा प्रकृति के स्थित होता है, इस बात भोगता बनता है। तो पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित न रहे तो भोगता नहीं होता। पुरुष सुख दुखा नाम भोगतृत्व हेतु रुचते, पुरुष है वो सुख दुखों में हेतु है। कौन है पुरुष? है पुरुष प्रकृतिस्थ, जो पुरुष है वो सुख दुख में हेतु है। तो सुख दुख में सुखी दुखी होता है तब तो प्रकृति में स्थित है, और प्रकृति में स्थित नहीं रहेगा तो सम दुख सुखा, सुख दुख में सम हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति में हिस्सा है ही नहीं। सुख दुख प्रकृति में रह गया, आप अलग हो गया, मैं सुख दुख दोनों में सम रहे तब अपना स्थिति सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो गया, तब सुख दुख सम हो गया। ऐसे तो नहीं तो प्रकृति में से रहता सुख दुख का भोगता बनेगा, कभी सुख कभी दुख होगा, कभी कभी राजा कभी नाराज भी होगा। प्रकृति में स्थित होने से भोगता बनता है, और सम दुख सुख कब के स्वस्थ स्व में स्थित हो गया, अपने आप में स्थित हो गया। तो अपने आप में स्थित में बहुत सुख दुख नहीं है, वो भोगतापन नहीं है, न कर्तापन है। प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होती है, उसको अपनी क्रिया मान लेता है, इसी से जन्म मरण होता है। इस वास्ते क्रिया क्या है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुणा में वर्त रहे, ऐसा देखे तो आसक्त नहीं होता। खाता हूँ पीता हूँ देखता हूँ सुनता हूँ बोलता हूँ चलता हूँ, ये मैं स्वयं, तो स्वयं क्योंकि प्रकृति के साथ एक मिला हुआ चलता हूँ। जैसे आदमी किसी गांव पहुंचा, किसी उधर पहुंचे, कैसे पहुंचे, तो माड़ी मोटर मेट पहुंच गए, तो हम पहुंचे जोधपुर, जोधपुर पहुंची है गाड़ी, हम पहुंचे ही नहीं है, हम तो बैठे हैं, बैठे बैठे यात्रा होगी हमारी, होगी कि नहीं? तो गाड़ी मोटर में स्थित हो गए, मोटर चलती है, तो हम चल कर आए हैं साहब, ठिकाने से चल कर आए हैं। आप कहते हो आप चल कर आए हो, मोटर चल कर आई है, जैसे मैं करता बनता है, सीधी बात है। पुरुष प्रकृति तो ही अहंकार विमूढ आत्मा करता हम की मान्य थे, अगर प्रकृति में स्थित न रहे तो कर्ता भोगते रहते ही नहीं। अहम मैं तो एक है ना, अहम तो संस्कृत में कहते हैं, मैं हिंदी में कहते हैं, मैं हो गया हूँ अहम के साथ, मैं अपनी तादाद में एकता कर ली। उपाय तो मैं नहीं करता हूँ, प्रकृति कर रही है, ऐसे इसका अनुभव करे। सीखने में तो वेदांत वाले सीख लेते हैं, अनुभव नहीं करते, अनुभव वास्तव में आप अपने आप को कर्ता मान लेते हैं अहंकार के साथ, इसमें से भोगता हो जाते हैं, सुखी दुखी हो जाते हैं। अब एक बात बताऊं, ध्यान दें आप लोग, सुखी कोई और होता है, दुखी कोई और होता है क्या? स्वयं ही होता है सुखी दुखी, अरे सुख आता है जाता है, अरे दुख आता है जाता है, अरे आप रहते हो तो आप कहाँ सुखी दुखी हो? आने जाने वाला है सुख दुख, आप रहने वाले हो तो सुख दुख आपसे अलग है कि आप सुख दुख एक हो? ये मार्मिक बात है, समझ में मार्मिक, बड़ी मार्मिक बात समझ में आ जाए। मानो सुखी और दुखी दोनों आप होते हो, अच्छा, अरे सुख और दुख आता जाता रहता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, कभी दुख आता है कभी सुख आता है, और जाते हैं ये, अरे आप रहते हो तो आप सुख दुख से अलग हो गए नहीं?
विचार करो अब, ठीक है ना। तो आप सुख दुख के ज्ञाता हो, भोगता नहीं हो, सुख दुख के साथ मिलकर के भोगता होते हो, नहीं तो सुख दुख के ज्ञाता हो, जानने वाला हो सुख दुख, ये सुख आया दुख आया, न प्रतिष्ठित प्रेम प्राप्य न उद्विजित प्राप्य चा प्रिय, प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, तो स्थिर बुद्धि हो जाएगा। अब तो ये ठीक समझ जाती है, समझती है ना। तो पहले क्या रहो, पहले से समय आने पर समझो कि मैं सुख दुख का प्रकाशक हूँ, भोगता नहीं हूँ। सुख दुख दोनों प्रकाशित होते हैं, सुख दुख का भाव अभाव दोनों होता है, और आप सुख के अभाव को और भाव को, दुख के भाव को और अभाव को, दोनों को जानने वाले आप अलग। सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, मैं रहने वाला हूँ, तो मैं जो स्वरूप है वो मैं से रहित स्वरूप है, मैं भी प्रकाशित होता है। जैसे सुख दुख प्रकाशित होते हैं, ऐसे मैं भी प्रकाशित होता है। आपका स्वरूप केवल ज्ञान का प्रकाश है। ठीक समझ में आते हैं तो इस समझ को कायम रखो कि सुख दुख मेरे तक नहीं पहुंचते हैं। क्या आत्मा में सुख दुख पहुंचते हैं? पहुंचते नहीं है, ये तो आते जाते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव है हमारा। हम तो वही रहते हैं और ये बदलते हैं, तो हमारे साल हुए नहीं है। मैं तो बदलता नहीं हूँ, मैं बदलना मान लेता हूँ। सुख को देखकर मैं सुखी हो गया, दुख को देखकर मैं दुखी हो गया। आदर किया किसने शरीर का तो मेरा आदर हो गया, शरीर का किसने निरादर किया तो मेरा निरादर हो गया। शरीर के नाम की निंदा करी तो मेरी निंदा हो गई, नाम की प्रशंसा हुई तो मेरी प्रशंसा हो गई। तो आपकी ना निंदा हुई है ना प्रशंसा हुई, आपका ना आदर हुआ ना निरादर हुआ है। आदर निरादर हुआ शरीर का, अरे प्रशंसा निंदा हुई है नाम की, अरे नाम रूप से आप ही तो रहित थलमैल नहीं। परंतु जब निंदा स्तुति का असर पड़ता है तो आप उनके साथ एक हो जाते हो, इस असर पड़ता है। नहीं कोई थम्बे की कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे, हमारे असर होता है क्या? सभी तो थम्बे की तरह है। तो मैं और मेरा जो ये है प्रकृति। आप मैं मेरे को प्रकाश करने वाले हो, इस वजह से निर्मम हो, निरहंकार है, शांति मत किसी, निर्मम और निरहंकार होंगे तो शांति मिलेगी, और मेरा और मैं पकड़ तो शांति नहीं मिलेगी। मैं मेरे की जेवड़ी गल बंधियो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। वो मैं मेरा है ही नहीं, मेरे राम जी है तो वो क्यों बनेगा? बनेगा मैं मेरे में फंसा हुआ। तो मैं मेरा कर्मी उस छूटता हूँ तो विहाय कामान यह सर्वान कुमान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मरी गति कर्मयोग से, और निर्ममो निरहंकार समुखी भक्ति योग से, और अहंकार बलन दर्प वो है ज्ञान योग से। चाहे किसी से ही कर लो, ज्ञान योग से कर लो, भक्ति योग से कर लो, चाहे कर्मयोग से कर लो, अहंकार ममता से रहित हो जाओ, बस ठीक हो जाएगा। यही पूर्ण मुक्ति, अहम और मम से छूटना मुक्ति, अहम मम में पकड़ना बंधन। महाराज जी एक आया है 16 अध्याय से और 14 अध्याय के 16 में कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए। पूर्ण निवृत्ति है, वहाँ कोई करता है ही नहीं, कोई क्या स्थिति होगी वहाँ पर, कोई संज्ञा भी नहीं है। नहीं वो तो सिर्फ कृत्य न अर्थ है, न अकृत्य नहीं, ये तीसरे माया है।
करने से न करने से कोई मतलब नहीं है, और करने और न करने मतलब है तब तक प्रकृति में से जाओ, ये दोनों में एक ही बात है, करना और न करना कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। नारायण 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 नारायण, इस पर थोड़ा विचार करो, फिर कल चलाओ प्रकरण यही गहरा उतरो, ठीक ठीक सी दीवार है एकदम। नारायण नारायण।